सो गाइस फाइनली आईफोन 16 की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है और प्री बुकिंग के साथ ही यहाँ पे सीधा सीधा हमें 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे और कहाँ मिल रहा है वो तो मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आईफोन 16 को प्री ऑर्डर कर दिया, अल्ट्रा मरीन कलर ऑर्डर कर दिया गया है, 20 तारीख को मुझे मिल भी जाएगा और 20 तारीख को मैं आप लोगों के साथ आईफोन 16 की अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर कर दूंगा। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूँ तो मैंने 256 GB वाला वेरियंट ऑर्डर किया जिसकी MRP 89,990 रुपीज की है, लेकिन मुझे इसके ऊपर सीधा सीधा 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया जिससे प्राइसिंग जो है वो मुझे 84,990 रुपीज की पड़ी है। और मैंने ये आईफोन जो है वो EMI के ऊपर लिया है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ। इसके साथ साथ काफी लोगों के ये भी डाउट्स होंगे कि क्या आईफोन 16 फ्लिपकार्ट की BBD सेल के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, इसका आंसर भी मैं आपको वीडियो के आगे देने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे मैंने बुक किया आईफोन 16 और आप भी अगर सेम प्रोसेस से अपने आईफोन 16 को बुक करते हो तो आपको भी 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे फिर देखते हैं कैसे इसको मैंने बुक किया। तो देखो सबसे पहले तो आपको एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है इंडिया वाली, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्टली आप वहां से जाके इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। देन आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली मैं आपको आईफोन 16 प्री ऑर्डर करना बता रहा हूं, प्रो मॉडल या बाकी प्रोडक्ट्स को भी आपको ऐसे ही ऑर्डर करना होता है और 20 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये प्री ऑर्डर जहां पर लिखा है सिंपली इसको क्लिक कर देना है। देन आपको राइट हैंड साइड पे आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस की प्राइसिंग वगैरह देखने को मिल रही होगी। आईफोन 16 की प्राइसिंग यहां पे 79,900 रुपीज की दिख रही है जिसके अंदर ये 5 कलर्स आते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में ये कलर्स के बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा आपको आईफोन 16 प्लस की प्राइसिंग देखने को मिल रही होगी 89,900 रुपीज की। जो भी आईफोन लेना है उसको सिलेक्ट कर लो। देन आपको यहाँ पे कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया था जिसके अंदर सबसे पहले ये अल्ट्रा मरीन कलर है, पोस्टर बॉय कलर इस बार आईफोन 16 सीरीज का। मैंने भी पर्सनली यही वाला कलर ऑर्डर किया, सबसे बेस्ट लग रहा था। इसके अलावा ये टील कलर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा सा कुछ शेड हम आईफोन 11 और 12 के अंदर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है ये पिंक कलर जो कि सबसे ज्यादा वाइब्रेंट कलर है, काफी ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब देखो व्हाइट कलर तो लोगों को पसंद आता ही है, लेकिन यहाँ पे कलर सेक्शन के अंदर एप्पल ने मेंशन किया हुआ था कि जो एल्युमिनियम विद कलर इन्फ्यूज ग्लास बैग है ना, ये सिर्फ अल्ट्रा मरीन टील पिंक और ब्लैक के अंदर है, मतलब व्हाइट के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, इसी वजह से मैंने व्हाइट को ऑर्डर नहीं किया। इसके अलावा आपको लास्ट में एक और कलर देखने को मिल जाता है ब्लैक, जो कि ऑलरेडी आईफोन 15 के अंदर मैं यूज कर चुका हूँ तो मैंने इस कलर को ऑर्डर नहीं किया। ब्लैक कलर में कलर जो है वो फेड होने का इशू रहता है सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने ये अल्ट्रा मरीन कलर ही ऑर्डर किया जो कि मुझे सबसे ज्यादा सही लग रहा था। और आप लोगों के भी काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे कि अल्ट्रा मरीन को ही देखना है अनबॉक्स होते हुए। खैर इसके अलावा आपको स्टोरेज वेरिएंट को सिलेक्ट करना है, 128 GB, 256 GB, 512 GB। इसकी प्राइसिंग आपके सामने है, मैंने पर्सनली 256 GB को ऑर्डर किया, बाकी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ऑप्शन आएगा एप्पल ट्रेड इन का, मतलब कोई पुराना फोन देना चाहते हो तो यहाँ से ट्रेड इन कर सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे नो ट्रेड इन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है एप्पल केयर प्लस को बाय करने का, जो कि 14,900 रुपए की है, जिसमें बेसिकली अनलिमिटेड हार्डवेयर रिपेयर वगैरह एक साल के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे नो कवरेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे की तरफ आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि बॉक्स में क्या मिलेगा, कोई चार्जर एडेप्टर वगैरह आता नहीं है, आईफोन 16 मिलेगा, साथ में आपको USB चार्जिंग केबल मिलेगी, इसको एड टू बैक कर दो। इसके बाद आपको कुछ एसेसरीज बेचने की कोशिश की जाएगी जिसमें सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चार्जर, वो भी यहाँ पे 1900 रुपए का मिलेगा। मैं आपको इसके सस्ते का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने चार्जर का लिंक दिया जो कि ओरिजिनल चार्जर का लिंक है, वहीं से आप परचेज कर सकते हो। बाकी इन सबको स्किप करके ऊपर रिव्यू बैग पे क्लिक कर दो। बस अब आपको यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे पहले आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीजें ली हैं, प्राइस कलर चेक कर लो, डिलीवरी एड्रेस डालना तो यहीं पर डाल सकते हो, डिलीवरी यहाँ पर फ्री होगी, इसके बाद सीधा चेकआउट पे क्लिक कर दो। बाकी यहाँ पे आपको सारे क्रेडिट कार्ड दिख जाएंगे जिनके ऊपर EMI अवेलेबल है, हर कार्ड के ऊपर नो कॉस्ट EMI अवेलेबल नहीं होगी, कुछ ही सिलेक्टेड कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नो कॉस्ट EMI है, अदरवाइज यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर EMI मिल जाती है। साथ ही डेबिट कार्ड के अंदर आपको सिर्फ 2 ही बैंक देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर EMI अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट चाहिए साथ ही नो कॉस्ट EMI चाहिए तो आपके पास ये 3 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक, इसके साथ साथ ICICI के कार्ड्स के ऊपर आपको नो कॉस्ट EMI के साथ साथ 5,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 8,000 रुपए लिखा है उस पर ध्यान मत देना, आईफोन्स के लिए 5,000 का डिस्काउंट है और मैंने भी अपने एक्सिस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 5,000 का डिस्काउंट लिया, लिंक मैंने कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, डायरेक्टली आप अपने कार्ड के लिए भी वहां से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि 3 महीने और 6 महीने के लिए नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन आ रहे हैं, बाकी 9 महीने 12 महीने इनके लिए भी अवेलेबल है, लेकिन वो नो कॉस्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल EMI होगा। बस इसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक कर देना है, अकाउंट में अपनी एप्पल ID से साइन इन वगैरह करके रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपको घर पे डिलीवर होना चाहिए या फिर आप इनके स्टोर से पिकअप कर सकते हो। 2 स्टोर इंडिया के अंदर अवेलेबल है, दिल्ली में साकेत और मुंबई में BKC स्टोर। बाकी यहाँ पे कंटिन्यू टू शिपिंग एड्रेस कर लो। इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, इसके अलावा आपके स्टेट को ये डिटेक्ट कर लेगा। नीचे की तरफ आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, EMAIL ID एंड मोबाइल नंबर। इसके अलावा जब आप कंटिन्यू टू पेमेंट करोगे तो आपको अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ेगी और बस उसके बाद ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और 21 तारीख से आपके घर पे इनकी डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो होप अब आपको पूरी प्रोसेस जो है वो समझ आ गई होगी कैसे आईफोन 16 को प्री बुक
बुक करना है। इसके अलावा जो लोग पूछ रहे हैं कि फ्लिपकार्ट की बीवीडी सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल के अंदर आईफोन 16 के अंदर इस बार कोई डिस्काउंट्स वगैरह आ सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। आईफोन 16 जो है वो अगले साल की फ्लिपकार्ट की बीवीडी सेल में आएगा या उससे पहले जितनी सेल्स आएंगी उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ प्राइस ड्रॉप मिलेगा, बट इस बार की सेल के अंदर आपको आईफोन 16 सीरीज नहीं देखने को मिलेगी। बाकी 20 तारीख को इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और आप भी मुझे बताना कौन सा फेवरेट कलर आपको लगा आईफोन 16 सीरीज के अंदर। बाकी कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।